दोस्तों 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने आप 1 से 1.5 साल वीडियोस अपलोड करते हो, उसके बाद भी 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हो पाता। पर मैं आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम सिर्फ 30 दिन में कंप्लीट कैसे करना है ये प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो जैसे आप लोग देख सकते हो मेरे ओल्ड चैनल पर मई 2021 में 5000 आवर्स का वॉच टाइम मुझे मिला था और जून 2021 में करीब 6000 घंटे का वॉच टाइम मुझे सिर्फ 30 डेज में मिल गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग सिर्फ 30 दिन में अपने YouTube चैनल पर 4000 घंटे के वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे मैंने अपने इस वाले चैनल के लास्ट वीडियो में आपको बताया था एनालिटिक्स के कुछ हैक्स के बारे में, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप अपने वीडियो को ज्यादा रिकमेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको CTR और वॉच टाइम को इंक्रीज करना होगा। तो वॉच टाइम के ऊपर तो आज मैं वीडियो ला रहा हूँ, बट अगर आप लोगों ने एनालिटिक हैक वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जो है आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग जो है उस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हो। और CTR के ऊपर भी बहुत जल्द हमारे चैनल पे वीडियोस आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का वेट जरूर करना। फैक्टर नंबर 1, दोस्तों हमारे वीडियो पे जितना ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन होगा उतना ही ज्यादा वॉच टाइम हमारे वीडियोस पे आएगा। बट ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना कैसे है ये बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक स्टोरी से रिलेट किया कि 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने 1 से 1.5 साल तक आप वीडियोस अपलोड करते हो, उसके बाद भी आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता, तो आप लोगों ने ये स्टोरी से अपने आप को रिलेट किया होगा कि यार मैं भी 1 से 1.5 साल से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बट 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने प्रूफ भी बताया कि मैंने कैसे अपने चैनल पर सिर्फ 30 दिन में 4000 घंटे के वॉच टाइम को कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही आपको अपने कैटेगरी के ऑडियंस को रिलेट करना है जिससे वो आपकी वीडियो देखे, ऐसे ही आपको अपनी कैटेगरी की ऑडियंस से रिलेट करना होगा जिससे ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन आपको मिले। एक और बात, जितना ज्यादा हमारी वीडियो पे ऑडियंस रिटेंशन आएगा YouTube हमारी वीडियो को उतना ही ज्यादा रिकमेंड करेगा। तो आप लोगों को अपने वीडियो के स्टार्टिंग में हुक करके रखना होगा अपने व्यूवर्स को, ताकि वो आपकी वीडियो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट वॉच करे, इससे आपको एवरेज काफी ज्यादा अच्छा वॉच टाइम मिल जाता है। फैक्टर नंबर 2, ऐसे बहुत कम चांस है कि आपको एक ही वीडियो से पूरा वॉच टाइम मिल जाए, यानी कि एक ही YouTube वीडियो से 4000 घंटे का वॉच टाइम मिल जाए। ऐसा पॉसिबल है बट बहुत रेयरली ऐसा होता है, इसलिए आपको हमेशा सीरीज में वीडियोस बनाना है और उन सारी वीडियोस को एक दूसरे से रिलेट करके रखना है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गूगल एड्स के ऊपर कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, उसी वीडियो में मैंने बताया था आने वाली वीडियो गूगल एड्स के पेमेंट के ऊपर होने वाली है, इससे जो लोग गूगल एड्स की पेमेंट में इंटरेस्टेड थे वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ऐसे मुझे सब्सक्राइबर तो मिल ही गया और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो मेरी गूगल एड्स की पेमेंट वाली वीडियो थी उस वीडियो को भी वॉच किया, जिससे मुझे अच्छा वॉच टाइम मिला अपने वीडियो पे। तो ऐसा पॉसिबल तो है कि आपको एक ही वीडियो से आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, बट ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप लोग एक सीरीज में वीडियोस बनाओ। हो सकता है आप लोग गेमिंग में कोई चैलेंज ले लो कि इतने दिन के लिए मैं इतने किल करके बताऊंगा, और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में आप लोग चैलेंजेस ले सकते हो। और अगर आप लोगों का टेक कैटेगरी से रिलेटेड कोई चैनल है तो वहां पर आप लोग जो है एक ऐसा वीडियो का टॉपिक ढूंढ कर लाओ जिसकी डिमांड भी हो और आप लोग उस पर मल्टीपल वीडियोस भी ला सकते हो। जैसे मैंने अपने ओल्ड चैनल पर देखा कि गूगल एड्स की बहुत ज्यादा डिमांड है बट लोगों को सही से वो नॉलेज नहीं मिल पा रही है या किसी ने भी प्रॉपर सीरीज नहीं बनाई है, तो मैंने इसी चीज का फायदा उठाते हुए गूगल एड्स की पूरी सीरीज बनाई कि पेमेंट कैसे ऐड करना है, गूगल एड्स में सेटिंग्स कैसे करनी है, कैंपेन कैसे लगाना है। इस वजह से लोगों ने मेरी 1 से ज्यादा वीडियोस देखी और उससे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा वॉच टाइम मिला। तो ये जो सीरीज वाला फैक्टर है ये हर एक कैटेगरी के लिए मैटर करता है, आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई करना। और एक वीडियो को दूसरे वीडियो के साथ कनेक्ट करने के लिए आप ये 3 स्टेप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है आई कार्ड, तो आई कार्ड के हेल्प से आप लोग जो है अपनी एक वीडियो को दूसरी वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकते हो आई कार्ड में उस वीडियो की लिंक देके। सेकेंड है लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि मैंने लास्ट वीडियो एनालिटिक हैक्स के ऊपर बनाई है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऐसे मैंने जो है अपने इस वाले वीडियो को उस वीडियो के साथ कनेक्ट कर लिया। और थर्ड स्टेप आती है हमारी एंड स्क्रीन, तो एंड स्क्रीन एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है अपने वीडियो को कनेक्ट करने का,
अगर आप कोई भी वीडियो प्रमोट करना चाहते हो इनडायरेक्टली, अपने एक वीडियो से दूसरी वीडियो प्रमोट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों को इन तीन स्टेप को फॉलो जरूर करना चाहिए, जो कि आई कार्ड, लिंक इन डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन। इन तीनों स्टेप को फॉलो करने से आपकी सारी वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट भी रहेगी और आपके ऑडियंस जो है एक से दूसरी वीडियो पर जाती रहेगी, जिससे आप लोगों को मल्टीपल वीडियोस पे वॉच टाइम मिलते रहेगा और कम से कम टाइम में आप लोग जो है अपने चैनल पर वॉच टाइम को कंप्लीट कर पाओगे।